रहा, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। ये देखो अब उसके लिए वो रोड बनी है। देखा भाई, मतलब वो साइड थी हमारे लिए, ये साइड थी उनके लिए, और आगे से आ रहा और मुझे इशारा कर रहा है, आजा आजा जा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होने चाहिए। तो भाई मेरी तरफ से एक बार सबको एकदम फ्रेश गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे आपको आवाज़ें आ रही होंगी, तो भाई आवाज़ें तो आपने सुन ली होगी, और वो सामने से निकल रहा है सूरज। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:10 बजने में। तो अभी मेरे को यहाँ से निकलना था, पर अभी मैं रुका हुआ इसलिए क्योंकि जिसको मेरे साथ जाना है वो अभी फ़ोन नहीं उठा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी सोया हुआ है। तो और 5 मिनट फिर से उसको फ़ोन करेंगे, 2-3 बार फिर से फ़ोन करेंगे, फिर से फ़ोन उठाएगा, फिर यहाँ से निकलेंगे और फिर आपसे हम मिलते हैं सीधा अपनी बाइक पर जाके। तो अभी निकल चुके हैं हम घर से। इससे पहले मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो अभी मैंने एंगल भी चेक नहीं किया। आगे पहुंचेंगे, एंगल चेक करेंगे, एंगल कैसा आ रहा है कैमरे का, चेक कर ले हम कैमरे का एंगल। ज़्यादा आगे जाके चेक किया तो फिर फ़ायदा नहीं भाई, जो बनाया होगा तो वो तो मैं वापस ला नहीं सकूँगा ना। एंगल तो एकदम बढ़िया आ रहा है, चेक कर लिया है मैंने। इसके बाद से मैं कैमरा ऐसे ही लगाऊँगा जैसे मैंने आज लगाया है। तो भाई निकलना तो जल्दी था, पर क्या चक्कर बना, मेरा जो फ्रेंड है मेरे साथ वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। मेरे को लगा वो सो गया, क्योंकि मैंने एक बार, दो बार, तीन बार, 12 या 13 बार मैंने उसको कॉल की, उसने नहीं उठाई। तो मुझे पता लग गया भाई वो सोया हुआ है, वो नहीं उठा। उसके बाद मैंने उसके भाई को कॉल की, मैंने बोला उसको जगा, तो उसको जगाया बोलते मेरे को पता ही नहीं चला। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है, क्योंकि ये जो दरिया है ना इसकी वजह से यहाँ पे हमेशा हवा रहती है। अगर गर्मी भी होगी ना हवा रहेगी। तो फ्यूज भी डलवा लेते हैं, पता नहीं खुला होगा या नहीं, दिख रहा तो है नहीं। एक तो अभी फ्यूल डलवाते हैं, एक अंकल दिखे हैं यहाँ पे, शायद से यही है। तो यहाँ पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपये 58 पैसे और डीजल 85, शायद से 1 रुपये का फ़र्क होता है जम्मू से या कुछ पैसे का। तो अभी ये अंकल पूछ रहे थे कहाँ से आए हो, मैंने बोला आया तो बहराम गला से हूँ, पर अभी जम्मू जा रहा हूँ। बोलते वहाँ पे गर्मी में क्या करते हो आप, मैंने बोला रहते ही वहाँ पे, हम यहाँ कभी कभी आते हैं, अरे घर यहाँ पे, पर हम वहीं शिफ्ट हो गए। यहाँ के लोगों को ना वहाँ की गर्मी से पता नहीं इतना डर लगता है, जैसे हमें आदत हो गई है तभी हमें इतना ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। हम बोलते नॉर्मल है, मतलब गर्मी होती है या नहीं है, नहीं होती, पर हम मतलब इतना वो नहीं करते हैं, हम रहते हैं कि नॉर्मल है, हाँ ठीक है। भाई रोड की हालत आप देख सकते हैं, क्या हालत है रोड की। तो भाई रोड की ये हालत हुई नहीं है, ये की हुई है क्योंकि रोड बन रही है अभी, इसको ये सिंगल रोड थी तो अभी इसको डबल कर रहे हैं। और मेरे कैमरे में आज एक और दिक्कत आ गई है, मेरे कैमरे की लाइट नहीं जल रही है भाई, जिस लाइट से पता चलता था कैमरा वीडियो स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। अब मेरे को देखना पड़ रहा है ऐसे करके, नंबरिंग चल रही है तो मतलब वीडियो स्टार्ट हुई है, अगर नंबरिंग 00 है तो वीडियो स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस रोड पे चल चल के ना मेरी ब्रेक है वो भी चूँ 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 कर रही है बीच बीच में, लगता है उसमें मिट्टी वगैरह फंस गई है। और देखिए यार, उस दिन मैं आया था इतनी बारिश थी यहाँ पे, और मेरे जैसे मैं यहाँ पहुँचा होगा ना, मेरे सामने से ऊपर से पत्थर ठल 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 ठल। रोड पे थोड़ा संभल के ही चलना है क्योंकि छोटे छोटे कंकर पड़े हैं, रेत पड़ी हुई है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाला सिस्टम हो जाएगा। तो भाई एक चीज़ मैं आप सबसे बोलूँगा, भाई आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। यही तो टाइम होता है जब आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो भाई सबसे पहले मैं फ़ोन करके उसको पूछ लूँ, क्योंकि दो जगह है जहाँ पे वो आ सकता है, अब वो कहाँ आएगा। उसने बोलता है जहाँ की गाड़ी उसको जल्दी मिलेगी, भाई उसको मिल गई है बीजी की गाड़ी पहले, जो कि यहाँ से है 21 किलोमीटर। अगर उसको दूसरी वाली मिलती तो वो यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर आ गया है। तो यहाँ से जम्मू 207 किलोमीटर, और मैंने चल लिया अभी लगभग 23 किलोमीटर, और टोटल मोटा मोटा लगा के 240 किलोमीटर है यहाँ से मेरा घर, क्योंकि बाइक मैंने वहाँ छोड़नी है, और वहाँ से आगे हम बस पे जाएंगे क्योंकि ट्रेन की टिकट हमें मिली नहीं। तो भाई मैंने इसकी नंबर प्लेट भी खोली हुई थी यहाँ आके, मैंने फिर से लगा लिया यार, यहाँ पे भी स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मैंने यहाँ भी लगा ली थी फिर से। यार फायदा नहीं जब सब कुछ आपके पास हो फिर भी पंगे ले लो आप, और क्योंकि पहले चलान हो रहा था बाइक सीज हो रही है नंबर प्लेट के बिना, क्योंकि वो जो आ रहा है क्या बोल रहे हैं उसको, हाई सिक्योरिटी कुछ, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है HSRP। तो जिस वजह से पहले उनने, अब उनने टाइम दिया था, उस टाइम के बाद से अब बाइक सीज होगी,
अब चलान नहीं होगा। यहाँ से बिजी रह गया होगा लगभग 17 किलोमीटर और मैं आराम आराम से चल रहा हूँ क्योंकि उसको टाइम लग जाएगा थोड़ा। वो रोड सिंगल है और गाड़ी है, गाड़ी पे आपको पता थोड़ा सा टाइम लग जाता है सिंगल रोड में। ये वाली रोड भी मस्त है और बाइक भी है, इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ। उसको आना वो वाले रास्ते से, एक ये पहाड़ी है ना किसके जो साथ है वो पीछे वाली, वहाँ से आना है उसको घूम के और मुझे यहाँ से जाना है और इस वाली पहाड़ी के उस साइड है बीजी। पहुँच चुके हैं बीजी पर वो अभी तक नहीं पहुँचा होगा आई एम श्योर। गाड़ी में आपको पता ही है कितना टाइम लगता है। पहुँच चुका हूँ मैं। अरे वाह, यहाँ पे सुरेंद्र सिंह द्वार ये अभी बना है, जब मैं आया था तब नहीं था। तो इधर आगे जाके कहीं पे रुकता हूँ मैं। यहाँ पे चलो यहीं रुक जाते हैं और उसको कॉल करते हैं कि कितनी दूर हो आप, है ना। तो भाई आ चुका है यहाँ पे मुझे 1 घंटा वेट कराने के बाद और ये पीछे खड़ा है और यहाँ से बाइक मोड़ लेते हैं। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। और यहाँ से निकलते हैं, ठीक है सोश ओके बाय बाय। तो भाई 8 बजे यहाँ पहुँचा था और अभी 9:15 हो रहे हैं, 1 घंटे से भी ऊपर हो गया। एक्चुअली इसको छोटी गाड़ी नहीं मिली है, बस पे आ रहा था, बस ने बहुत टाइम लगा दिया। और मैं यहाँ इतनी देर से खड़ा था, यहाँ पे आर्मी वाले थे, आपको पता है तो आर्मी वालों के पास रुकने नहीं देते हैं। मैं सोच रहा था अभी मुझे आके टोकेंगे, अभी टोकेंगे, पर नहीं, मैं चुप करके बैठा रहा। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं रजौरी और बज चुके हैं 10। एक रास्ता यहाँ पीछे से रजौरी बाजार में जाता है। भाई अभी तक तो मैं आधा रास्ता भी कवर कर लिया था, 1 घंटा वेट किया, 1 मिनट मेरा कैमरा हाँ जी चल रहा है और भाई स्पीड ब्रेकर आए हाय हाय। अरे वाह, सामने ब्रिज को देखो, सामने ब्रिज को तिरंगा पेंट कर दिया है, कितना प्यारा लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे लाइटनिंग भी लगाई होगी क्योंकि जम्मू में जो तवी ब्रिज है उसके ऊपर लाइटें लगाई हैं, हो सकता है यहाँ भी लगी हो। तो अभी हम पहुंचे हैं एक जगह, जगह का नाम है नारिया और मैं यहाँ पे बोर्ड पढ़ रहा था, ये देखो नाम क्या लिखा हुआ है, मेरा नारिया, मेरा नारिया। तो भाई यहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे थे, ये जो ये बंदा है ना इसके बम में दर्द हो गया। मैं बोला भाई बाइक पे बैठने के लिए बम में दम चाहिए जो तेरी में नहीं है। तो यहाँ पे तभी रुके थे, तो इधर पीछे एक पानी का वो भी है, हाँ हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में इसको, वहाँ बोलते हैं बावली बोलते हैं और जो भी बोलते हैं, पर यहाँ पे पानी था पर ये कुछ गंदा हो गया है तो इसलिए यहाँ से पी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसको जब थोड़ा सा आराम आएगा फिर यहाँ से चलेंगे आगे। तो भाई निकल चुके हैं अभी यहाँ से, अभी बाइक बंद करके जा रही है तो यहाँ से नीचे उतर रही है, तो उतरने दो उतरने दो उतरने दो, फिर स्टार्ट कर देंगे क्योंकि 37 की स्पीड में चल रही है। उसका अभी काम लगा हुआ था, अभी बीच बीच में जो है बन गई है और बीच बीच में ऐसी हालत है ना कि बंदा सोच रहा है ये सच में रोड है, ऐसी हालत अभी पीछे थी। और भाई गाड़ियों वाले क्या ओवरटेक कर रहे हैं, उसको ओवरटेक नहीं बोलते हैं, उसको डेथ बोलते हैं भाई, उनकी नहीं बाइक वाले की। भाई सीधा आगे से आ जाते, इज्जत ही नहीं है यार बाइक वाले की। भाई अगर कोई एग्री करता तो कमेंट करके बता दो, ये देखो ऐसे, पर अभी तो ये फिर ठीक है। अब सोचो यहाँ से बिल्कुल मैं जा रहा हूँ 80-90 की स्पीड में, वहाँ से गाड़ी अचानक से ऐसे मुंह निकालो ओवरटेक करे। A few moments later. ये देखो अब उसके लिए वो रोड बनी है, तुझे अकल नहीं है, बुढ़ा हो गया अकल नहीं आई है। देखा भाई, मतलब वो साइड थी हमारे लिए, ये साइड थी उनके लिए, और आगे से आ रहा और मुझे इशारा कर रहा है आजा आजा, जैसे मैं गलत जा रहा हूँ। भाई पाउडर देखो आगे से कैसे उड़ता हुआ आ रहा है, ये तो पूरी रोड की आज तबाही हो गई है। पता नहीं कहाँ तक तोड़ी है। ओहो सारी रोड का काम ही काम पिछले 50-60 किलोमीटर से। अभी तो फिर यहाँ पे चलने की आई है, धूल देखो, अरे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा।
इतनी धूल उठ रही है कि पीछे नजर भी नहीं आ रहा है। फ्री में मेकअप करवाना है किसी ने, करवा लो यहाँ से। अभी हम पहुंचे कालीदार के जंगल में। ये वो ऐसी जगह है जहाँ जंगल होने के बावजूद भी गर्मी होती है, आई डोंट नो रीजन। ओहो बेचारा बंदर मर गया। वैसे बड़ी गाड़ियों वाले बाइक वालों को कुछ ना समझते, वैसे बंदर को भी नहीं। अभी अखनूर पहुंचने वाले हम। ये भी एरिया अखनूर में आता है, पर यहाँ से लगभग होगा 3 किलोमीटर अखनूर। सुबह से कैमरा बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर अभी फिर से कैमरे में आ चुकी है गड़बड़, कैमरा हो जाता है ऑफ। तो अभी देखें ज़रा, अभी तक तो चल रहा है भाई। रोड की बहुत तबाही है, यहाँ तक तबाही है। आज मैं इतना थक गया हूँ ना कि पूछो मत। और ये रास्ता भाई, धूल भाई, धूल धूल धूल। सुनता ही नहीं है भाई कोई। तो भाई अभी पहुंचे हम साइंस कॉलेज के सामने, और सबसे पहले हमें कटानी है टिकट्स, तो वहां चलते हैं पहले। और मेरे कैमरे को पता नहीं क्या बीमारी पड़ रही है, शुक्र है अभी चल रहा है। तो यहाँ साइड पे रोकते हैं और टिकट कटा के आते हैं। और तो भाई टिकट कट चुकी है हमारी। चाबी कहाँ है? तो टिकट कट चुकी है। बाइक खींच थोड़ी, बाइक खींच, बाइक खींच। अभी यहाँ से जाएंगे घर और खाएंगे खाना। उठा के उधर कर, शाबाश। और उठा, शाबाश। तो टिकट कट चुकी है, अब घर चलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और थोड़ा सा सो जाएंगे। तो फाइनली अभी घर पहुंच चुके हैं हम। हालत आप देख सकते हैं क्या है, और ये पूरी ब्लैक से ग्रे हो गई है। तो इस वाली वीडियो करते हैं यहीं पे, एंड नेक्स्ट पार्ट आएगा बहुत ही जल्द। तो आप सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस कैमरे में भी प्रॉब्लम आ चुकी है, बस ये चले ठीक से। तो इस वाली वीडियो करते हैं यहीं पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं भी लगी हो फिर भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट टाइम अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ। I hit the